गुड मॉर्निंग गाइस एंड हैप्पी 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 दिवाली आपको और आपकी पूरी फैमिली को, पूरे दोस्त भाई बहन जितने भी लोग मेरे चैनल देख रहे हैं सभी को हैप्पी दिवाली। आप लोग की दिवाली काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बीते और काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से आप लोग अपनी दिवाली सेलिब्रेट करो, पटाखे वटाखे जलाओ, हाँ थोड़ा कम जलाना लेकिन जलाओ मस्त एकदम भाई, और मिठाई उठाई खाना, मस्त इन्जॉय करना। तो गाइस अभी जो टाइम हो रहा है ना वो मॉर्निंग का हो रहा है 9, अभी मैं नहा के एकदम मस्त रेडी हो चुका हूँ। काम क्या मेरे को, घर का मंदिर धुलना है भाई, तो मंदिर धुलने के लिए भाई नहाना पड़ेगा, तो मैं नहा लिया सुबह सुबह। चलो गाइस मंदिर धुल चुका है, यहाँ पे रख दिया हूँ, अब चलता हूँ ना जल्दी जल्दी, बाइक धुलवाना है भाई, बाइक धुला नहीं है, ज़्यादा लेट करूँगा तो फिर से भीड़ हो जाएगी। ये सामने छोटी वाली बाइक तो धुल चुकी है, अब ये अपनी बुलेट धुलवानी है, तो जल्दी से निकलते हैं बस। तो गाइस अभी मैं पांडेपुर चौराहे पे हूँ, बाइक वगैरह सब कुछ अपना धुल चुका है, सारा काम हो चुका है, बट हाँ पटाखा मार्केट भाई जो लगा था ना सांस्कृतिक संकुल चौक की चौका घाट के पास है ना, इस बार मार्केट लगा ही नहीं भाई, मैं गया ढूंढा कुछ भी नहीं था, सब बंद था, बट वहाँ से हम लोग कुछ ले नहीं रहे हैं तो उधर से रिटर्न हो गए। अभी फिर यहाँ पे आए हैं, कुछ मीठा लेना है वो ले लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ तो दिखाते हुए चलता हूँ, कुछ चीज़ें और लेनी है अभी अपने को। वैसे भी मिठाई ले रहा हूँ, मिठाई लेके चलता हूँ, एक्चुअली एक लोग को देना है भैया तो यहीं से ले ले रहा हूँ, बाकी और मिठाई भी लेनी है तो वो घर चल के लूँगा, क्योंकि भाई लेके जाने में ना प्रॉब्लम होगा, कम लग रखा है यहाँ पर, बट कोई नहीं ज़्यादा दूर तक जाम नहीं है, क्योंकि धनतेरस वाले दिन जितना जाम था ना भाई उतना आज नहीं। और हाँ दिया जलाने के लिए जो बाती आती है ना वो लेनी है भाई, मतलब तो तीन चीज़ अभी बाकी है, उसको भी जल्दी ले लेता हूँ फिर। गाइस यहाँ पे छोटी वाली कैंडल है, यही लेके चलता हूँ भाई, ज़्यादा नहीं जलाना है अपने को कैंडल, क्योंकि दिया जलाएंगे अपन, तेल ले लेते हैं। हे गाइस गुड इवनिंग, अभी पूरी तैयारी हो चुकी है, पटाखे वटाखे सब कुछ ला दिए हम लोग, और अभी क्या करना है मेरे को ना मंदिर को सजाना है। तो भाई मंदिर को मैंने ऐसा नॉर्मली डेकोरेट कर दिया, देखो ये लाइटें लगा दी मैंने और यहाँ पे भगवान जी लोग विराजमान हो चुके हैं। क्या करते हैं ना कि मेन चीज़ दिखाते हैं आपको, जो हम लोग पटाखे लाए मतलब क्रेकर्स वगैरह जितने सारे लाए ना वो सब दिखाते हैं, और रंगोली बनाया है फूल, वो सारी चीज़ें मतलब दिखाते हैं। पहले देखो आप लोग बैक कैमरे से, देखो भाई ये बनी है इस बार फूल की रंगोली, और कमेंट जरूर करना आप लोग की कैसा लग रहा है ऐसा कुछ। देखो दीने बनाया हुआ है रंगोली, ये भी गेंदे का फूल है, ये गुलाब का फूल है, बीच में ऐसी कोई एक पत्ती आती है ना वो है, फिर येलो वाला जो आता है गेंदे का फूल वो है, बीच में रोज रखा है, ऐसा कुछ दीदी ने सजाया हुआ है रंगोली पूरा। देखो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना आप लोग एक बार भाई। तो भाई ये देखो इतने सारे पटाखे भाई, इस बार कुछ ज़्यादा ही पटाखे मिल गए अपने को, कुछ तो गिफ्ट दिया जीजा ने और बाकी पापा ने खरीदा था, कुछ हम लोग खरीद के लाए, मतलब इतना सारा पटाखा हो गया ना भाई। ये देखो भाई टिनी टिम टॉम, ये पता नहीं क्या है, ये नहीं पता मेरे को, और फिर इसमें एक ये है बॉम, इसको भी अभी जलाएंगे कुछ देर में, बाकी ये तो जानते होगे भाई सबका फेवरेट है ये बचपन का, और इसमें है ना रॉकेट, ये रॉकेट है, इस पर देखो लिखा भी होगा रॉकेट बॉम, और ये देखो भाई हल्क, इसमें से हल्क का इसको जलाएंगे तब मज़ा आएगा, ये देखो पता नहीं कैसा है, और इसमें भाई ना ये है स्काई शॉट, ठीक है एक पीस है इसमें देखोगे तो ऐसा कुछ स्काई शॉट है ये, और ये देखो मस्त स्नैक, और ये बाकी सारा देखोगे तो ये जो लक्ष्मी बॉम आता है ना वो सारा है। बस इतना सारा जो ये देख रहे हो ना इतना पटाखा, ये मेरे को जीजा ने गिफ्ट किया था, डिज्नी का था पूरा पटाखा, ये सेट था पूरा, इसमें मतलब कई सारे जितना भी आप लोगों ने देखा ना ये पूरा सेट आया था, मतलब बॉक्स हम लोगों ने खरीदा था, इसमें मतलब अनार है सिर्फ, एक बार दिखा दो भाई पास से, अनार है, रॉकेट है, इसमें फुलझड़ी है, इसमें बुलेट है, और बड़ी वाली चक्री है, ये है बड़ा वाला बॉम है, बड़ा वाला बॉम और था भाई, एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखो ये छोटा वाला भाई देखोगे तो ये पॉप है हाथ में ही फट गए। चलो भाई अभी चल रहे हैं ना हम लोग दिया रखने के लिए बरामदे में, लाइन से रख देते हैं एक लाइन से। भाई यहाँ पे देखो पूजा हो रहा है, मम्मी पूजा कर रही है, जय माता रानी।
भाई वो घर से आके यहाँ पे दिया जला रहा है अपने घर पे, मतलब दिवाली नहीं मना रहा है शायद। और ये भैया जी हैं हमारे मिस्टर राकेश पांडे। गाइस तो देखो फाइनली अपनी दिवाली काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बीत चुकी है और अब ना गांव में एकदम शांति वाला माहौल हो गया क्योंकि रात के 10 हो रहे हैं। हम लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किए, खूब सारे पटाखे जलाए, मिठाइयाँ खाई, दिए जलाए, सब कुछ किए। अमन आया था और एक भैया बगल के वो भी आए थे, सब लोग हम लोगों ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा मस्ती की, बहुत मज़ा आया। और उम्मीद करता हूँ कि आपकी दिवाली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बीती होगी, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। अभी क्या करते हैं ना कि चलते हैं खाना खाते हैं, कुछ मिठाइयाँ खाते हैं, उसके बाद फिर सो जाएंगे और उसके बाद मॉर्निंग में मिलते हैं हम लोग, या फिर ना यहीं पर इस वीडियो को क्लोज कर देंगे अपन, ठीक है। तो भाई अभी मस्त मैं डिनर करने जा रहा हूँ, देखो क्या क्या लेके बैठा हूँ। ये जानते हो आप ये क्या है सामने वाइट कलर का, ये है फारा, इसको गांव में बोलते हैं फारा, कहीं कहीं पे गोएठा बोलते हैं इसको। और ये सूरन की सब्जी है और दो मिठाई लेके बैठा हूँ, साथ में हरी चटनी।